अप्रोच से भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी, सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1,00,000 करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है, उसकी सीधा सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है, इनोवेशन एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है, और ये 1,00,000 करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। देखिए, पीएम श्री के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए आईआईटी, नए आईआईएम, ये सारे जो उल्लेख किया गया है, ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1,40,00,000 नई पीढ़ी की लोगों को स्किल, अपस्किल, रीस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है, इस बजट में जिस प्रकार की, देखिए, 3 नया रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई, इसकी सीधा सीधा अर्थ ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, ज़्यादा स्किल मैन पावर लगेंगे, लोगों की जीवन मान में बढ़ोतरी होगा। ये सीधा सीधा फायदा, ये बजट में अगर एक लाइन पे उसको कहूँ, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।